हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रोचेट से बेबी हुडी बनाना, जो 1 to 2 ईयर बेबी का है। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो हमारा ऊपर का योग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं फिर से बता दूंगी। ये जो हमारा है ऊपर का योग का पार्ट बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे यहाँ पर हमें इससे दो चेन लेना है, एक दो, दो चेन लेने के बाद यहाँ तक आपको डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, यहाँ तक हमें पूरा कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इस के अंदर, चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाना है हमें। अब यहाँ पे बाजू के लिए बाजू बनानी, दो डबल क्रोशिया इसके अंदर, और फिर इसको यहाँ से अटैच करके इस चेन के अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी। ये दो डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे जोड़ना, इसके अंदर भी हमें दो डबल क्रोशिया बनानी। फिर से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना के मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। देखिए फिर से हमें इस गैप में जो है चेन बनाया है, जो यहाँ पे बाजू के लिए दो डबल क्रोशिया सेम स्पेस पे। फिर से इसमें अटैच कर देना है दो डबल क्रोशिया से। देखिए हमारा पे बाजू बन गया, यहाँ पर जैसे अटैच हो गया। अब हमें यहाँ पे से पूरा यहाँ तक एंड तक डबल क्रोशिया बना लेना है। बनाने के बाद मैं आके आपको आगे बता रही हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे ये राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसका आगे का, एक दो तीन चेन बनाना है। तीन चेन बनाने के बाद सेम जगह पे, सेम स्टिच में आपको सेम डबल क्रोशिया के अंदर तीन डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद एक एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में, नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, और फिर से तीन चेन वहीं पे बनाना है। तीन चेन बनाने के बाद फिर सेम स्टिच में हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक स्टिच छोड़, एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। ये देखिए फिर से तीन चेन और सेम स्टिच में जो हमें सेम स्पेस पे तीन बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना, फिर से तीन चेन, फिर से सेम स्पेस पे हमें तीन डबल क्रोशिया, एक
दो तीन, तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में फर्स्ट, इस तरह से आपको ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया है बाजू के लिए। अब मैं आगे बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आप इधर से तीन चेन, एक दो तीन चेन लेने के बाद को अपनी तरफ फिर से सेम स्टिच में हमें तीन बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन, तीन बार डबल क्रोशिया बना के दो चेन छोड़ के, एक दो चेन छोड़ के थर्ड तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना। फिर से तीन चेन और सेम स्पेस पे हमें तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन डबल क्रोशिया और दो चेन छोड़ने के बाद तीसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। तीन चेन सेम स्पेस पे हमें, सेम चेन में हमें तीन डबल क्रोशिया, दो चेन छोड़ के स्किप करके तीसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, तीन चेन। इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके आपको आगे हम बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा लास्ट राउंड है। फिर से तीन डबल क्रोशिया, दो तीन डबल क्रोशिया और ये हमें इस लास्ट चेन में जो इसमें डबल क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चेन, एक दो तीन चेन टर्न कर लीजिए और फिर से सेम स्पेस पे हमें जो है जहाँ पे तीन चेन बनाया था वहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। दो तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने इसमें तीन चेन लिए थे उसके अंदर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया के पहले जो तीन चेन लिए थे उसमें सिंगल क्रोशिया और फिर से तीन चेन उसी जगह पे, उसी स्पेस पे फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन डबल क्रोशिया, फिर से ये जो चेन है इस चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया। फिर से तीन चेन सेम स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया तीन बार, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से इस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से पैटर्न जो है हमारा ये बनता जाएगा। अटैच करने के बाद फिर से सेम इस जगह पे हमें तीन डबल क्रोश, तीन क्रोश चेन बनानी है और सेम स्पेस पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है। ये तीन चेन तीन डबल क्रोशिया का पूरा पैटर्न है। दो तीन डबल क्रोशिया और ये इस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है, जोड़ देना है
फिर से तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया सेम स्पेस पे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चेन जो बनाया था उसके अंदर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। इसी तरह से आपको ये पूरा पैटर्न बनेगा और ये हमारा कार्डिगन बनता जाएगा। इस कार्डिगन का लेंथ जो है इसी तरह से बन के पूरा लेंथ हमारा कम से कम 15 इंच लेंथ बनेगा। 15 इंच में देखिए ये हमारा कितना पैटर्न तैयार होता है। मैं अपना पूरा पैटर्न इतना बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमारा आगे कर रहा हूँ, लास्ट राउंड जो है कंप्लीट हो रहा है। देखिए फिर से तीन चेन और इस चेन के अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से तीन चेन और हर चेन के अंदर या हर एक सेम चेन में जो है तीन डबल क्रोशिया। देखिए तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर इस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, इसी चेन के अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया, और हमें इस चेन में लास्ट के आखिरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करके हमें यहाँ पे धागा एंड कर देना। यहाँ पे धागा जो है हमें एंड कर लेना है। और ये देखिए हमारा कितना लेंथ हुआ, कट कर लेना। देखिए ये देखिए ये हमारा कितना राउंड बना है, देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस राउंड बना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस राउंड बना। ये जो है पूरा बेबी का हुडी जो है मेरा बन, लंबाई इसका हो गया है यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर लंबाई है इसका, 35 सेंटीमीटर पूरी पूरा लेंथ है इसका यहाँ से लेके आपको ऊपर ऊपर से, ये देखिए ऊपर से लेके ये यहाँ एंड तक 35 सेंटीमीटर है। ये एक साल से डेढ़ साल की बेबी के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हमें आस्तीन में काम करना है। ये आस्तीन के लिए बाजू के लिए देखिए मैंने यहाँ पे धागा अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पे एक चेन बना लीजिए। एक चेन बनाने के बाद जो है हमें यहाँ पे इसको जो है डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ से फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाइए, सॉरी इसको तीनों को एक साथ बुन दीजिए। यहाँ से डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया यहाँ पे ये तीनों का एक कर देना, इससे थोड़ा इसका स्पेस जो है कम हो जाएगा।
देखिए हर चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। पहले एक चेन स्किप करने के बाद बनाना है एक चेन। फिर नेक्स्ट में हर एक चेन में, उसके बाद हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए पूरे में हमें इस राउंड में कहीं कहीं पे हमें एक चेन को स्किप कर देना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बनाना इसको यहाँ पे। और डबल क्रोशिया के ऊपर जो है हमें डबल ही क्रोशिया बनानी। इसको हमें यहाँ पे जो है स्पेस को जो है थोड़ा छोटा करना है। तीन के ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना। ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक हमें इसको सिंगल क्रोशिया। अब जो है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर लॉन्ग डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें लॉन्ग डबल क्रोशिया देखिए बनाना। ये जो है हम पूरा ये इस राउंड में लॉन्ग डबल क्रोशिया हमें बनाना है। मैं पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आपको आगे बता। ये देखिए मेरा ये लास्ट राउंड है, हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। फिर से तीन चेन अप बनानी है हमें भी। तीन चेन बनाने के बाद हर एक चेन में हमें लॉन्ग डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा तीसरा राउंड है। और तीन का जो बाजू का हमारा थर्ड राउंड है। हर एक लॉन्ग डबल क्रोशिया के ऊपर हमें लॉन्ग डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमारा ये जो तीसरा राउंड भी है कंप्लीट होगा। देखिए आस्तीन जो है हमारा बाजू बनता जाएगा। यह हमारा 10 राउंड बनेगा। तीन राउंड मैंने बनाए हैं, एक दो, ये तीसरा राउंड है। 10 राउंड बनेगा 10 राउंड बनाने के बाद, और देखेंगे इसका अगर लेंथ और बढ़ाना होगा तो मैं और भी बढ़ाऊँगी। ये दोनों आस्तीन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे इसका टोपी बताऊँगी। ये हमारा आस्तीन जो है इस तरह से तैयार हुआ है। बाजू देखिए मैं आपको यहाँ तक कितना हुआ है मैं ये बता रही हूँ। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 राउंड बीनने के बाद ये दो राउंड जो मैंने जैसा पैटर्न इसमें बनाया था पूरे स्वेटर में, उस तरह से इसके बाजू में आगे स्लीव में बनाया है।
मैं ये कैसे बना रही हूँ इसमें ये मैं बताती हूँ। ये मेरा 11 जो है हो चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 राउंड हमारा हो चुका है ये। अब हमें आगे कैसे बनाना है इसमें ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको 3 चेन लेनी है, एक दो 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद सेम ही स्टिच में हमें 3 बार डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और दो स्टिच, दो चेन छोड़ के तीसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से 3 चेन और सेम स्पेस में हमें 3 बार डबल क्रोशिया, और दो चेन छोड़ के तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना, फिर से 3 चेन। इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट होता है पूरा। मैं एक कंप्लीट करने के बाद आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा ये फर्स्ट रो का लास्ट है पैटर्न, 1 2 3। अब ये तीसरे चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, और ये इसको मैं फिर यहाँ पर आप इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दीजिए इस चेन में। ये देखिए उसके बाद फिर से आपको इस 3 चेन बनाइए। 3 चेन बनाने के बाद इस चेन को आप अपनी तरफ कर लें, बाजू को घुमा लें। देखिए घुमाने के बाद इससे फिर सेम स्पेस पे यहाँ पे जो स्पेस है इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर से 3 चेन। अब ये स्पेस के अंदर हमें सेम ही स्पेस पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया, और चेन के अंदर फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमारा इसका सेकंड राउंड और आखिरी राउंड इसका ख़त्म हो रहा। बाजू 2 बार बना के, अगर इसको आप और लंबा करना चाहती हैं बाजू को बच्चे के लिए लेंथ के हिसाब से, जितना बड़ा बच्चा हो तो आप 3 राउंड भी बना सकती हैं, 4 राउंड भी बना सकती हैं। मैं 2 ही रो बना रही हूँ। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा लास्ट राउंड है, इसको देखिए ऐसे स्लिप स्टिच से हमें जोड़ देना है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया बाजू पूरा। स्लिप जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए अब हमें जो है यहाँ पे टोपी बनानी है।
आप चाहें तो इसमें कॉलर बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ सिंगल क्रोशिया का बना के मैं इसके अंदर कैप लगा के, कैप लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें एक स्लिप नॉट ये हमारा फर्स्ट चेन जो है इसमें हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए इसका जो फर्स्ट चेन जहाँ से मैंने हम लोग शुरू करते हैं तीन चेन बनाना है, दो तीन चेन, उसके नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया लॉन्ग डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए फिर से नेक्स्ट चेन में हमें लॉन्ग डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में हमें लॉन्ग डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे इसको राउंड में हमें यहाँ तक बनानी है। यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए हमें यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशिया लॉन्ग डबल क्रोशिया बनाना, तीन चेन, और अब इसको अपनी तरफ कर ले, फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर लॉन्ग डबल क्रोशिया के ऊपर लॉन्ग डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से आपका जो है ऊपर कैप के लिए बनेगा ये। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से हमें यहाँ से कम 10 या 12 राउंड बनाना है। मैं 10 राउंड बनाने के बाद आपको आगे, ये हमारा यहाँ पे जो है टोपी का जो ऊपर का हुडी का ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसे अब ज़्यादा धागा करके यहाँ पे देखिए ये राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पूरा रो कितना आया है मैं दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 राउंड जो है ये हमारा 13 रो बनना है, बन के हमारा टोपी जो ऊपर का है कंप्लीट हो गया है। अब इसका धागा जो है ज़्यादा थोड़ा करके काटिए, ये देखिए इसको और अब इसी से हमको इसके कैप की सिलाई करनी है। ये देखिए दोनों इसको जो है आप उल्टा करें इधर से, इस धागे को आप यहाँ से यहाँ जोड़ना है हमें, ये देखिए
इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड जो है देखिए कंप्लीट करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये राउंड मैंने सी लिया है। इसको जो भी धागा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा उलट के यहाँ पे ये देखिए हमारा हुडी वाला जो है तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर इसके बटन पूरा इसका हमें यहाँ पे ओवर यहाँ पे बटन पट्टी की तरह बनाना है। तो वो कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। जो धागा बचा हुआ था मेरे पास मैं उसमें अटैच कर ले रही हूँ, गांठ लगा ले रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट चेन जो है एक चेन बना लीजिए, फिर हर एक राउंड के अंदर इसमें आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना। इस तरह से पूरे में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से हमें पूरा जो है राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा ये कैप उप सब में बनाने के बाद ये एंड तक हमें बनाना है। मैं पूरा एंड तक बनाने के बाद फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा हाफ डबल क्रोशिया वाला राउंड जो है पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक राउंड, अब हमको सेकंड राउंड बनाना है। तो पहले एक चेन ले लें, एक चेन लेने के बाद आप अपने आप इसको इतनी तरफ कर लें, फिर हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें पूरे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। पूरे राउंड को आपको इसी तरह से एंड तक जो है कंप्लीट करना है। जो भी हम लोग सिंगल क्रोशिया बनाए थे हर एक के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से हमारा पट्टी बन के तैयार होगा। काफ़ी सुंदर लुक देता है ये। ये देखिए हमारा जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये टोपी ये हमारा जो बनाया बटन पट्टी के लिए देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे बटन लगानी है। देखिए ये बटन हमें यहाँ पे जॉइन करना है। इसी तरह से मैं तीनों बटन टाँकने के बाद आपको
आगे दिखाती हूँ। ये हमारा हुडी बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।